गुड मॉर्निंग ब्लैक डॉग, चलो हम लोग अभी जाएंगे। गुड मॉर्निंग आप लोग, हम लोग अभी सुबह 5:20 बज गए हैं। अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। काफ़ी दिनों के बाद आप लोग आया हो और जो आप लोगों का व्यू है काफ़ी मस्त है यार। आज जो आसमान है वो काफ़ी क्लियर है और चिड़िया है, जो पक्षी है सब उठ गए हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि कल हम लोग देर हो गए हैं सोने में। तो चलते हैं आप लोगों का जो रोड है, जो आप लोग में मॉर्निंग वॉक करने में कितने मज़े है वो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ राजीव भाई भी है। मॉर्निंग वॉक करने से कितना फ्रेश हो जाते हैं हम लोगों को। काफ़ी दिनों हुआ हमें मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकला। जो कल मॉर्निंग वॉक करने का मन था तो आ नहीं पाया, हम लोग रूम का अंदर पर ही मॉर्निंग वॉक कर लिया। रन करते चलो यार। नहीं नहीं ये दिखाएंगे भाई। वो काफ़ी मस्त है, देखिए देखिए जो खूबसूरत ये लीली फ्लावर है ना। लीली फ्लावर 2015 को मैं है ना पौधा इसे पूरा गाड़ी भरती करके ये लेके आया था मैं लगाने के लिए यहाँ पे। अरे पागल था यार मैं उस टाइम पे। ये जो ग्रास लगाने के बाद कितना खूबसूरत हो गया देखिए ना। ये जो मशीन बोट है चार आदमी चढ़ सकते हैं यहाँ पे और एक आदमी का छुट्टियाँ लेते हैं। टोटल चार आदमी का 200 लेते हैं ना। हाँ काफ़ी अच्छा है यार। अभी पहले नहीं था, पहले वो पैडल से मारने वाला बोट था, वो भी ज़्यादा नहीं चला था। ये जो है काउंसिल का जो टर्निंग पॉइंट है, इस तरफ से काउंसिल जाते हैं, काउंसिल का जो चेक करिए थे। सुबह सुबह गाड़ी ड्राइव करने के लिए निकलते हैं लोग ना? हाँ। हम भी निकले थे यार। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो शाम है, शाम में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, कोई स्केटिंग करते हैं। कुछ गाना गाने के लिए आते हैं, हर चीज़ करने के लिए आ जाते हैं लोग। काफ़ी साफ सुथरा रखते हैं आप लोगों को। काफ़ी सुंदर पेंट किया है ये मेरे दोस्त लक्केसर बोडो ने पेंट किया था। वो डिमासा का जो ट्रेडिशनल रिखो बोलते हैं इसको, वो जो कपड़े में बुनते हैं। इस तरफ में सर्किट हाउस जाते हैं। वाह लोग रन करने से अच्छा है, रन करने से, मॉर्निंग वॉक पर निकलने से वो जो शरीर ठीक ठाक रहते यार। आते आते हम लोग डॉन बॉस्को पहुँच गए हो।
ज़्यादा दूर नहीं है। पहले मैं जब लोअर हाफलोंग स्टेशन के सामने से मैं आ जाता हूँ इस तरफ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, देखिए कितना छोटा छोटा चिड़िया भी है। ये जो लेक है उस लेक पे रहते हैं, जो केबल है उस केबल में रहते हैं ये जो चिड़िया है। काफ़ी नेचुरल प्लेस है ये। इस तरफ भी लेक जाते हैं। ये जो डॉन बॉस्को है हाफलोंग के, काफ़ी अच्छे स्कूल है। यहाँ एडमिशन लेने के लिए जो अपना बच्चा को एडमिशन देने के लिए गार्जियन लोग बहुत भीड़ लगाते हैं यहाँ। अपना पति पति ने पत्नी को स्कूटी चलाना सिखा रहा है। काफी मस्त है यार, कितना प्यार है। हमारा कोई पत्नी नहीं है जो हम लोग सिखा सके। देखिए वाह कितना खूबसूरत है ये पार्ट, छोटा छोटा पार्ट। सुबह में इतना स्पीड से साउंड पोल्यूशन करके कोई बाइक की राइड करके जा रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये म्यूजियम है आप लोगों का, लेकिन हमने कभी नहीं गए यहाँ म्यूजियम पे। क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं। इस तरफ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, इस तरफ का व्यू काफ़ी अच्छा है। जो सर्किट हाउस है यहाँ से, वो सर्किट हाउस से काफ़ी व्यू अच्छा है। जो रेलवे का जो ब्रिज है वो दिखाई देते हैं इस तरफ से। यहाँ का सुबह में जो लॉकडाउन था ना, तब ज़्यादा लोग निकलते थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोग फिर से आलसी करने लगे और ज़्यादा नहीं निकलते। जब लॉकडाउन होते हैं तो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ना, क्या हो जाते तो बोरिंग है। और जो लोग मोटा हो जाता है तो इसलिए निकलते हैं। लेकिन लोग हर टाइम पे निकलना चाहिए यार, क्योंकि जो वो मॉर्निंग वॉक करने से हम लोग का शरीर, जो शरीर का जो ब्लड है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होते हैं, तो इसलिए हम लोग का जो शरीर है वो शरीर भी ठीक ठाक रहते हैं। क्योंकि हम लोग का शरीर मशीन है यार, जितना चलेंगे उतना ही अच्छा रहते हैं।